खाड़ू खाड़ू। तो अभी मैं ना खेतों की साइड जा रही हूँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना ऐसे भी शरीर में ना और ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा मैं ना जितना चलती रहूँगी उतना सही रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलूँगी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते करते ही जा रही हूँ मैं खेतों में। तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ खेत, ये रास्ता है हमारे खेत को जाने के लिए, और यहाँ का व्यू ये देखो। अभी जब फसल कट जाएगी ना तो हम यहीं पे गाय चराने आएंगे, ये देखिए। ये सारा नज़ारा, और ये नीचे जो है, ये नीचे जो खेत है ये जंगल बोलते हैं, इस जगह का नाम है जंगल। और अभी मैं खेत दिखाती हूँ आपको, चलिए चलते हैं। तो ये वीडियो ना मैं आधे रास्ते तक आ गई थी, उसके बाद ही बनाई, मैंने मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर कुछ ना कुछ कंटेंट तो चाहिए ना। मम्मी आ गई हैं पहले ही, पता नहीं वो कहाँ जैसे हैं, ढूंढना पड़ेगा। और ये हमारे खेत यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये देखिए। और हम ना 10-15 दिन के बाद गेहूँ कट जाएगी हमारे यहाँ, देख सकते हो आप पकने वाले हैं। आज करवाती हूँ आपको खेतों के शहर, ये देखिए। ये है हमारे खेत, और ये ना खरगोश आते हैं ना तो उनको डराने के लिए लगा के रखा, जब हवा चलती है तो लिफाफे से आवाज़ आती है। और साथ में आप वहाँ देख रहे होंगे ना, यहाँ जैसे कांटे रखे हुए हैं ताकि वो ना आए। तो ये देखो आजकल ना गेहूँ से घास निकालने का काम चला हुआ है, दवाई नहीं फेंकी थी हमने क्योंकि दो दो गाय हैं तो उनके लिए घास भी चाहिए। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये खेत है हमारे, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। और ये सामने पेड़ है ना, इससे नीचे किसी और के हैं, और ये है हमारे, ये देखो, ये वाले खेत। और इन दो शैतानों को देखो, ये आ गए हैं साथ में, लूसी और कालू। लूसी, ये देखो ये लूसी, कालू बिसी, ये इधर उधर देख रही है। तो ये वाले खेत भी हमारे हैं, तो मम्मी मुझे दिख गए हैं, वो आ गए थे पहले ही घास काटने, और मुझे घर में था थोड़ा काम, मैं आई हूँ अब। और गेहूँ की ना भी हालत तो खराब हो रखी है, ये देखो वहां पे काट रहे हैं घास। इसको बोलते हैं जोई, ये जोई है, घास हम गाय के लिए लेके जा रहे हैं। ये देखो ये पीली पीली हो गई ना, ये पक गई है। तो ये देख सकते हो ऊपर, ये अंशु के आंगन में, ये देखो ये तीन डोगी बैठे हुए हैं, अभी दो ही दिख रहे हैं,
तीसरा थोड़ा पीछे जैसे वो नहीं दिख रहा है तो वो बैठा हुआ है और मैंने लाइट ऑन कर ली है। और मैं ये देख सकते हो आप, अंधेरा हो रहा है। ये तो कैमरा थोड़ा क्लियर दिखा रहा है, नहीं तो वैसे मैं दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ फिर आपको पता चलेगा। तो ये देखो ये कैमरा है फ़ोन का, तो इससे पता चलता है कि अंधेरा कितना ज़्यादा हो गया है। और पतिदेव जी अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि मुझे जाना है कौशेड। और तो अभी मैं बैठी हूँ स्टूडियो में क्योंकि मुझे जाना है कौशेड। और जैसे आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, कम से कम 15 से 20 दिन पहले, अब तो हो गए 15-20 दिन, क्योंकि ज़्यादा बीमार तो मैं ये 10 दिनों में पड़ी हूँ। उससे पहले मेरे हाथ सुन पड़ना शुरू हो गए थे तो मैं कौशेड नहीं जा पाती थी। तो आज मम्मी जी चले गए हैं मेहमान और आज कौशेड जाना है मुझे। तो कौशेड गई तो गाय ने दूध ही नहीं दिया भाई उसको, ना मैं अजनबी सी लग रही थी तो वो रुक खड़ी ही नहीं। तो पतिदेव अभी आएंगे ना तो तब जाऊंगी मैं कौशेड और वो पकड़ेंगे फिर उसको, तो वो दूध देगी। क्योंकि ना गौ माता का ऐसा होता ना कि वैसे पहले सुबह मैं जाती थी, शाम को मम्मी जाते थे तो दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि हम दोनों जाते रहते थे। और जब से मेरे हाथ में पेन हुई है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं मिल्किंग कर ही नहीं पाऊँगी तो जाने का तो मतलब ही नहीं है। ऐसे घास लाते थे और जाती नहीं थी गाय के काऊ मिल्किंग करने के लिए। तो फिर आज तो उसने भाई भयंकर वाले तेवर दिखाए हैं अपने, वो तो मुझे बैठ नहीं दे काऊ मिल्किंग करने के लिए। तो अभी देखते हैं पतिदेव आएंगे तो उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि जब कोई जेंट्स होते हैं ना तो वो शायद डरती है।